स्वागत है आप सभी लोगों का पिक माई वर्क के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट पे। AU बैंक लेके आया है इंडिया का फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड, यानी कि यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के कौन से फीचर्स आपको चाहिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड आपको उन्हीं सब फीचर्स के आपको पे करने पड़ेंगे। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड चूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये रहता है आपका लाइफ टाइम फ्री कार्ड और यहाँ पे आपको मिलता है मल्टी रिवॉर्ड एंड लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स, एक्साइटिंग कैशबैक बेनिफिट्स और तो और कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइस इंश्योरेंस भी। यहाँ पे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स, माइलस्टोन बेनिफिट्स और तो और इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। AU बैंक क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए आपको 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप या तो सैलरीड या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए और अगर आप सैलरीड है तो आपकी मिनिमम मंथली इनकम 25,000 होनी चाहिए और सबसे लास्ट आपके पास किसी और बैंक की क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जब आप पिक माई वर्क के थ्रू AU बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पिक माई वर्क का एप्लीकेशन खोलते हैं, अगर नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद होम स्क्रीन पे आपको क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के प्रोजेक्ट दिखेंगे बट आपको चूज करना है AU बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का प्रोजेक्ट। जब उस पर क्लिक करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए कि कैसे प्रोसेस कैरी आउट करना होता है। उसके बाद शेयर लिंक टू कस्टमर करते हैं और अपने कस्टमर को भेज देते हैं। तो कस्टमर को इसी लिंक पे क्लिक करना होता है, फिर उनको ये लिंक पे ले जाता है, इस पेज पे रीडायरेक्ट करता है जहाँ पे कस्टमर को अपना नाम और उनका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। एक बार जब ये डिटेल्स फिल आउट कर लेते हैं उसके बाद उनको इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है। OTP डालने के बाद और वेरीफाई करने के बाद उनका ये मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कस्टमर को AU बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता है जहाँ पे उनको अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डिटेल्स डालना पड़ता है और इसी मोबाइल नंबर पे उनको एक OTP भी भेजा जाता है। OTP फिल आउट करने के बाद उनका ये मोबाइल वेरिफिकेशन वेबसाइट के लिए कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आधार वेरिफिकेशन के लिए उनको अपना आधार कार्ड डिटेल्स डालना पड़ता है और उनको उन्हीं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है और आप कहाँ पे कौन से सिटी और स्टेट में रहते हैं वो फिल आउट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक वर्चुअल दिखाई देता है कि आधार कार्ड में आपका कौन सा एड्रेस है वो शो कर दिया जाएगा। इसी एड्रेस पे आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर किया जाता है। तो वो चूज करने के बाद सिटी और स्टेट डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो जहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स अपने फिल आउट करने होते हैं, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और आप क्रेडिट कार्ड में क्या नाम लिखवाना चाहते हैं, आपका मदर्स नेम, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सनल ईमेल आईडी, आप फ़िलहाल कहाँ पे रहते हो और जहाँ पे रहते हो कितने साल हो गए हैं, नेशनैलिटी, ये सब डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको आपके एम्प्लॉयर डिटेल्स मतलब प्रोफेशनल डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं। यहाँ पे आपको चूज़ करना अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं सैलरीड। वो चूज़ करने के बाद आपको आपके एम्प्लॉयर्स डिटेल, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सर्विस करते हुए कितने साल हो गए, कौन से पोजीशन में है और आपका मंथली इनकम क्या है, ऑफिस एड्रेस डिटेल्स, ये सब फिल आउट करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन पे नो क्लिक करना होता है और फिर आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे। अभी यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन जहाँ पे आपको आपका क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है कि आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री कार्ड अगर आपको चाहिए तो आपको चूज़ करना है LIT का कार्ड क्योंकि ये रहता है लाइफ टाइम फ्री कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस क्रेडिट कार्ड के दिए जाएंगे कि अल्यूरा प्लस, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं LIT आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भी उसके दिखाई देते हैं। जानने के लिए वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि एनुअल मेंबरशिप फ़ी वगैरह कितना है। ये सब करने के बाद आप प्रोसीड टू वीडियो KYC पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करते हैं तो बैंक से एक एजेंट आपका इंतज़ार कर रहा होगा, वो आपके एप्लीकेशन के सारे डिटेल्स एक बार फिर से कन्फर्म करते हैं और आपको आपका पैन कार्ड का फ्रंट और बैक साइड उनको शो करना है लाइव में और एक वाइट पेपर में आपको आपका सिग्नेचर करना होता है, जिसके बाद क्रेडिट कार्ड का ये एप्लीकेशन जो प्रोसेस
ये फॉर्म सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली एंड कंग्रेचुलेशंस, आपको आपका क्रेडिट कार्ड यानी कि कस्टमर को अपना क्रेडिट कार्ड 7 से 10 दिन के अंदर मिल जाता है एंड आपको पिक माई वर्क की तरफ से आपका पे आउट मिल जाता है। तो ऐसे ही और रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।